हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 25 फुट बाई 50 फुट प्लॉट साइज के बारे में। तो दोस्तों, ये हमारा 1250 स्क्वायर फीट एरिया रहेगा, 138 गज का प्लॉट है दोस्तों इसमें। और इसमें हमने डिज़ाइन किया है, दो बेडरूम डिज़ाइन किए हैं दोस्तों, ड्राइंग रूम डिज़ाइन किया है, टॉयलेट डिज़ाइन किया है दोस्तों, किचन ओपन रहेगा, लॉबी भी डिज़ाइन किया है, बाथरूम डब्ल्यू सी भी डिज़ाइन किया है दोस्तों, और कार पार्किंग भी दी है, स्टेयरकेस भी हमने किया है। और दोस्तों, अगर आप भी अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये हमारा मोबाइल नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर रहेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इस प्लान को 2 BHK के साथ डिज़ाइन किया है। तो चलते हैं दोस्तों हम प्लान की तरफ। ये हमारा प्लान रहेगा जिसकी चौड़ाई करना 25 फीट रहेगी और गहराई 50 फीट है। ये आप देख सकते हैं 25 फीट इसकी चौड़ाई है और गहराई इसकी 50 फीट है। तो ये इसका फ्रंट रहेगा दोस्तों, और ये हमारा मेन रोड रहेगा। ये हमारा मेन रोड है, ये इसका फ्रंट रहेगा। और ये दोस्तों, जैसे ही हम इसमें एंटर करेंगे, ये हमारा नो पेट बाइक का मेन गेट रहेगा, जो कि प्लॉट के लिए रहेगा, घर के लिए एंटर करेंगे तो ये हमारा मेन गेट रहेगा। और जैसे ही हम इसमें एंटर करेंगे तो ये हमारा कार पार्किंग एरिया आता है, जो कि 9 फीट बाई 18 फीट का रहेगा यहाँ से यहाँ तक। और दोस्तों, ये हमारा जो दे रखा है, ये हमने स्टेयरकेस दे रखा है, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए रहेगा, यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे। और ये हमारी कार खड़ी हुई है, जो कि जीने के नीचे खड़ी होगी कार हमारी। और ये दोस्तों हमारा पैसेज रहेगा, जो कि 5 फुट वाइड का पैसेज रहेगा। और बाहरी फ्रंट पे हमने ये टॉयलेट दे रखा है, जो कि 5 फुट वाइड 5 फिट का टॉयलेट दे रखा है। ये हमारा टॉयलेट रहेगा दोस्तों, जो कि ड्रॉइंग रूम वाला यूज करेगा इस टॉयलेट को। और ड्रॉइंग रूम इसमें हमारी दोस्तों 2 एंट्री रहेंगी घर के लिए, एक एंट्री हमारी ये रहेगी और एक एंट्री हमारी ये रहेगी। तो पहली एंट्री हम यहाँ से चलते हैं, तो ये हमारा ड्राइंग रूम आता है। ड्राइंग रूम में ये हमने डोर विंडो दे रखा है, ये हमारी विंडो लगी हुई है दोस्तों। और ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, हमारा बिल्डिंग ब्लॉक रहेगा दोस्तों। ये हमारा 13 फिट 9 इंच ऐसे है दोस्तों, और 11 फिट ऐसे है। ये हमारा ड्राइंग रूम का साइज रहेगा, जिसमें हमारे 2 सोफा 2 सीटर डरे हुए हैं और एक हमारा 3 सीटर डरा हुआ है। और सामने हमारा ये टीवी यूनिट लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे, और ये टेबल डली हुई है। और ये दोस्तों हमने ओपन आर्च दे रखी है, ये आर्च रहेगी जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये हमारा आर्च का एरिया रहेगा जो लॉबी से रहेगा। अब दोस्तों हम चलते हैं यहाँ से, तो ये हमारी एंट्री होगी, यहाँ हम आएंगे तो ये लॉबी में आएंगे। और दोस्तों इसमें हमारी ये लॉबी में डाइनिंग टेबल डली हुई है, ये जो कि 8 सीटर रहेगी। और इसका लॉबी का साइज रहेगा दोस्तों 15 फिट 7 इंच ऐसे रहेगा, 14 फिट 3 इंच ऐसे रहेगा, जो कि काफ़ी बड़ी लॉबी रहेगी। अब दोस्तों चलते हैं हम किचन में, तो ये हमारी किचन रहेगी, किचन ये ओपन रहेगी, ये डॉटेड लाइन जो दिखाई दे रही है ये आर्च रहेगी दोस्तों, ये ओपन रहेगी हमारी किचन, जिसमें हमारी ये गैस रखी हुई है दोस्तों, और ये सिंक लगा हुआ है। किचन का साइज रहेगा 7 फिट 1 इंच ऐसे रहेगा, और 9.5 फिट ऐसे रहेगा। और ये हमारा फ्रिज रखा हुआ है किचन में ही। किचन का वेंटिलेशन दोस्तों हमारा ये पार्किंग की तरफ हो रहा है, ये हमारी विंडो लगी हुई है किचन की। अब दोस्तों चलते हैं हम दोनों बेडरूम में, तो पहले बेडरूम में इसमें चलते हैं हम, तो ये हमारा 11 फिट 4 इंच ऐसे रहेगा और 11 फिट ऐसे रहेगा दोस्तों। ये बेडरूम का साइज रहेगा, जिसमें ये हमारा बेड डला होगा, सामने टीवी यूनिट लगा होगा। और दोस्तों इसका वेंटिलेशन हमारा पीछे ओपन से होगा, जो कि ओपन से हमने ओपन का जो साइज दे रखा वो 14 फिट बाई 5 फिट का रहेगा। ये हमारा डोर लगा हुआ दोस्तों, जो कि पीछे जाने के लिए होगा, और ये हमारी विंडो लगी हुई है, जो कि बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए होगा। और दोस्तों जैसे ही हम पीछे ओपन में जाते हैं, तो ये हमारा बाथरूम एरिया आएगा, जो कि 4 फिट बाई 5 फिट का ये बाथरूम रहेगा, 4 फिट ऐसे और 5 फिट ऐसे। ये हमारा डोर रहेगा, जिसमें हम एंटर करेंगे बाथरूम में। अब दोस्तों चलते हैं दूसरे बेडरूम में, तो ये हमारा 11 फिट बाई 4 इंच ऐसे रहेगा दोस्तों, 11 फिट ऐसे। तो ये बेडरूम का साइज रहेगा, जिसमें हमारा ये बेड डला हुआ है, और ये सामने टीवी यूनिट लगा हुआ है। और दोस्तों पीछे जाने के लिए ये हमारा डोर लगा हुआ है, और ये हमारी विंडो लगी हुई है, जो कि बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए होगी। ये हमारा ओपन में जाएंगे। और दोस्तों ये हमने डब्ल्यू सी दे रखी है, जिसमें हमारी ये सीट लगी हुई है, ये 4 फिट बाई 5 फिट की ये साइज रहेगा, 4 फिट ऐसे और 5 फिट ऐसे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस डब्ल्यू सी को डिज़ाइन किया है सीट के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने दोनों बेडरूम को डिज़ाइन किया है, और पीछे ओपन को डिज़ाइन किया है। फ्रेंड, इस तरीके से हमने इस प्लान को डिज़ाइन किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे, और इसी तरीके का आपको अच्छे प्लान हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।